बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं गोभी कीमा, फूल गोभी कीमा, बहुत मज़े का बनता है। इसके लिए आप एक हांडी में एक कप ऑयल लेंगे, इसमें प्याज डालेंगे हम स्लाइस हुए हुए, दो प्याज। इसको अच्छी तरह से मैंने प्याज जो है वो ब्राउन कर लेना है। देखिए हमारे प्याज जो है वो ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें अपना कीमा ऐड करेंगे, आधा किलो कीमा। और इसको अच्छी तरह से मैंने गोल्डन ब्राउन होने तक मैंने कीमे को भुनाई करनी है 5 मिनट तक, जब तक कीमे का जो पानी है वो ड्राई हो जाए। लहसुन अदरक डालें 1 बड़ी चम्मच। साथ ही हम इसमें मसाले ऐड करेंगे अपने, नमक 1 चम्मच, काली मिर्च 1 चम्मच, कलौंजी आधी चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। ये सारे मसाले इसमें जाएंगे और अच्छी तरह से हम इसको भूनेंगे, मिक्स करेंगे। कीमे का ऑयल जो है वो ऊपर आना चाहिए, भुनाई अच्छी तरह आपने करनी है। 2 टमाटर डालेंगे मीडियम साइज़ के, टमाटर को मिक्स करें, कवर करके 2 मिनट तक पकाएं, जब तक टमाटर जो है वो हमारे सॉफ्ट हो जाएं, नरम हो जाएं। फूल गोभी मैंने लिया 1 किलो, इसको बारीक काट लेना आपने और इसमें डाल देना, और साथ ही हरी मिर्चें ऐड करनी है। साथ ही आपने 1 कप पानी ऐड कर लेना है इसके अंदर, और इसको हमने दम देकर पकाना है अच्छी तरह, जब तक हमारी जो गोभी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। हल्की आंच पे बिल्कुल पकाना है आपने 10 से 15 मिनट। अब ये देखिए हमारी गोभी जो है वो गल चुकी है और ये बहुत मज़े का बन गया है। ये देखें पानी भी बिल्कुल नहीं है, पानी भी ड्राई हो चुका है। अब आप गरम मसाला डालें 1 चम्मच और धनिया डाल के तो इसको सर्व करें। ये देखें आप, ये बहुत मज़े का तैयार हुआ है, ये बहुत मज़े का बनता है। सर्दियों के मौसम में गोभी बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें।